ना यहाँ पे मजा आ रहा है। ओ भागो भागो भागो, अरे बीच में कहाँ आ जाता है। ओ भाई गजब, ये देख सकते थे भाई हमारे पास आ गया एक्टिव और हम लोग करने वाले स्लाइडिंग। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ओ भाई ओ भाई पकड़ो भाई, पूरा ठंडा ठंडा। अरे भाई जिसके पास बजट नहीं शिमला जाने का, रात्रि में आकर मजा ले सकते। ओ भाई गजब, छूट भी सकता है तो गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो लग जाएगा चोट। ओ भाई सुपर लाजवाब लग रहा भाई, इंजॉय काफी कर रहा है बहुत ज्यादा। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कितना सुंदर यहाँ पे बनाया गया है, जो काफी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे इस तरफ देखते हैं काफी सुंदर स्लाइडिंग किया जा रहा है, जो काफी खूबसूरत लग रहा है। ओ सुपर वाला गोला, ओ भाई सुपर। कहाँ जा रहा है बाबू स्लाइड करने? चलो भाई हम भी चलेंगे स्लाइड करने। ये देख सकते हो तो ऊपर से नजर आपको इस तरफ देखने को मिल रहा है, जो काफी खूबसूरत लग रहा है। और ये बच्चा आ गया स्लाइडिंग करने के लिए, कैसे लग रहा है भाई? मतलब ओ भाई गजब, ये सुपर देख सकते हैं स्लाइडिंग किस तरह कर रहा है भाई। ओ आराम से आराम से आराम से आराम से, ये देखिए भाई पूरा चढ़ गई ऊपर। आराम से उतर रहो, आराम से आराम से आराम से। यहाँ पे बहुत मजा आया, और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बहुत अच्छा लग रहा ना, बहुत ठंडा। हम एक बार पहले भी कहीं गए हुए हैं मलेशिया में, यहाँ पर मेरा सेकंड टाइम एक्सपीरियंस। अच्छा कहाँ से आए हुए मैम? हम तो गए हैं गिरिडीह से। गिरिडीह से तो पूरा स्वागत है दोस्तों आज सभी ब्लॉग्स में। तो भाई अभी हम आ चुके हैं टुपू दाना, और टुपू दाना टोनको के सामने एक बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे शिमला जैसा यहाँ पे आनंद वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा, बर्फीला जगह यहाँ पे बनाया गया है। चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे बर्फीला जगह, जो शिमला का जो मजा है वो यहाँ पे दिलाने वाला हूँ, और अंदर दिखाने वाला हूँ क्या क्या यहाँ पे होने वाला है और कितना प्राइस है वो सारा कुछ बताने वाला हूँ। और लोकेशन की बात की जाए तो टुपू दाना टोनको के सामने एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्नोलैंड खुला हुआ है, जो काफी सुंदर दिख रहा है भाई। और टिकट की प्राइस की बात की जाए मात्र 800 रुपया में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और चलिए हम लोग अंदर विजिट करते हैं और बताते हैं कि किस तरह का यहाँ पे बर्फीला जगह है, जो यहाँ पे कितना मजा आने वाला है गर्मी के दिन में वो सारा कुछ बताने वाले हैं। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए वीडियो करते हैं शुरू, और भाई चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो करते हैं शुरू और दिखाते हैं भाई यहाँ का जो नजारा है वो सारा कुछ। भाई अभी हम लोग आए हुए टिकट काउंटर, अभी टिकट काउंटर में यहाँ पे टिकट कटिंग हो रहा है, तो टिकट का प्राइस है 800 रुपया। तो अभी देख सकते हैं अभी हम लोग टिकट लिए हुए हैं, तो भाई साहब भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप भी देखने आए भैया जी? अच्छा अभी यूट्यूबर लगता है जी जी। तो भाई चैनल का क्या नाम है आपका? जय देसी ब्लॉग। देसी ब्लॉग, चलिए आप अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग कैसा नजारा है। और टिकट देख सकते हैं इस तरह से देखने को मिलेगा, जो 800 रुपया प्राइस है। तो अभी हम लोग एक टिकट ले चुके हैं और भैया भी ले चुके हैं, और हम लोग अंदर में खूब सारी मस्ती करने वाले हैं, तो सारा कुछ दिखाने वाला है दोस्तों। वीडियो शुरू से लास्ट इसका टिकट घर देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह टिकट घर देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हैं भाई स्नोलैंड, और जहाँ पे बर्फीला जगह है उसके बाद इधर टिकट वगैरह का चेकिंग किया जाता है, गार्ड वगैरह रहते हैं। चलिए हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गार्ड जी हैं, और यहाँ गार्ड जी पहले टिकट चेक करते हैं, और टिकट चेक करने के बाद फिर यहाँ पे अंदर जाने मिलेगा देख सकते हैं दोस्तों। और ये टिकट चेक हो चुका है, उसके बाद हम अंदर की तरफ जा चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का लोकेशन देखने को मिले। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये है भाई ड्रेसअप वाला पे देख सकते हैं पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा। जहाँ पे आपको यहाँ पे अंदर तरफ घुसिएगा ना, जहाँ शिमला का मजा लेने के लिए आपको उससे पहले आपको सेफ्टी चाहिए, क्योंकि अंदर बहुत ही ठंडा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और ये देख सकते हैं ये मिलेगा, ये सेट मिलेगा ना मैम, ये 800 रुपया में सेट आ जाता ना सारा कुछ, कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा? नहीं कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं देना है, और कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, 800 के अंदर ही यहाँ पे जैकेट वगैरह शूज वगैरह सारा। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है शूज, और ये जैकेट आ गया है देख सकते हैं हमारे पास, और ये सिर्फ मात्र 800 रुपये में आपको एक, मतलब ये एक घंटा के लिए आपको यहाँ पे प्राइस लगेगा 800 रुपये जो लग रहा है एक घंटा के लिए। और चलिए हम लोग देख सकते हैं पूरा ड्रेस में आ चुके हैं, शूज वगैरह पहन लिए हैं, और ये भाई मस्त लग रहा है, गर्म पूरा लग रहा है। तो अंदर बहुत ही ठंडा है, यहाँ पे -8 डिग्री से यहाँ पे सेल्सियस है, और बहुत ही यहाँ पे ठंडा पूरा बर्फीला जगह आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग रांची के न्यू शिमला में, जहाँ पे आप लोग शिमला का मजा कैसा देते हैं वो सारा कुछ दिखाएंगे। और ये आपको देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे ड्रेस वगैरह सारा कुछ देखने को मिलेगा, मेल फीमेल सारा कुछ यहाँ पे सबका ड्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग अंदर की तरफ घुस रहे हैं। ये भाई ये देखिए यहाँ पे इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को समा।
ओ भाई देख सकते हैं हम लोग एटलीस्ट अंदर की तरफ घुस चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पे दुर्गा पूजा का पंडाल जैसा लग रहा है। बारे बारे। समझ रहे हो ना भाई। और अंदर जाने वाले शिमला देखने के लिए रांची में, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा लगता है। और ये काफी खूबसूरत लग रहा है, हालांकि पंडाल जैसा तो नहीं दिख रहा है, पर ये काफी अच्छा है रील्स वगैरह बनाने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए काफी अंदर है। चलिए हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं और दिखाते हैं भाई यहाँ का नजारा। ओ भाई ये रहा भैया, अभी गेट खुल चुका है। ओ भाई ये सुपर देख सकते हैं, पूरा आइस वगैरह देखने को मिलेगा। हम लोग अंदर की तरफ घुस चुके हैं और एक घंटा यहाँ स्टे करने वाले हैं और एक घंटा यहाँ पे रुक के बताएंगे कि कितना ठंडा है। हालांकि यहाँ पे देख सकते हैं बर्फ वगैरह इस तरह देखने को मिलेगा, जो काफी सुंदर दिख रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे बर्फ, आपको ये देखिए भाई ये पूरा बर्फ है। एक्चुअली में ये पूरा -8 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे रखा गया है। हालांकि जितना आदमी यहाँ पे सह सकता है उतना यहाँ पे टेम्परेचर बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये भाई ये बर्फीला वाला है भाई, ये बर्फ ये घर घर में देख सकते हैं, इस तरह आपको देखने को मिलेगा। फूटेगा पूरा भाई, ये इससे फोड़ के देखेंगे, नहीं फूट रहा है भाई। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे स्लाइडिंग कर सकते हैं इस तरह। ये रहा भाई गजब, यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत ठंडा। हम एक बार पहले भी कहीं गए हुए हैं मलेशिया में, यहाँ पे मेरा सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है। अच्छा कहाँ से आए हुए मैम? हम तो गए हैं गिरिडीह से। हाँ। तो पूरा फैमिली हुए आए हुए हैं ना? नहीं नहीं, रांची के कुछ लोग हैं, हम लोग कुछ लोग गिरिडीह। अच्छा तो देख सकते हैं मैडम लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं, काफी मजा ले रहे हैं। देख सकते हैं गुफा वगैरह बनाया गया है, चलिए हम लोग गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कैसा यहाँ पे बनाया गया है। देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे घुसे हुए हैं और ठंडा के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कितना बहुत ज्यादा ठंडा है आपको देखने को मिलेगा। ओ भाई ये देखिए भाई, ओ खतरनाक, ओ भाई गजब, ओ भाई कहाँ अगले बाबा, ये तो शिमला अगले बाबा। ये छोटा सा गुफा बनाया गया है जो काफी बेहतरीन लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। और चलिए हम लोग यहाँ गुफा से निकलते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे ठंडा का मजा लेते हैं। ओ भाई गजब, ये सुपर, यहाँ पे देख सकते हैं काफी यहाँ पे ठंडा लग रहा है भाई। और देख सकते हैं दोस्तों अभी मैम अभी काफी स्लोली आ रहे हैं और ये देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे एंजॉय कर। ओ भाई गजब, ये देख सकते हैं काफी एंजॉय बच्चे लोग कर रहे हैं और ये बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखिए भाई कुछ लोग इधर भी एंजॉय कर रहे हैं। ओ भाई आराम से भाई, आराम से करेंगे, उसके लिए अपना यहाँ जो जुगाड़ उगाड़ ले जाना पड़ता है मेरा भाई, उसके बाद स्लाइडिंग कर सकते हैं बर्फ में। ओ भाई गजब, कि अभी मत छोड़िएगा। ओ भाई रुकिए, अब छोड़ दिया भैया, हम लोग पटकाएंगे कहा भैया, नहीं आपको नहीं। हाँ चलिए धीरे से छोड़िए। ओ मेरे भाई आराम से। ओ भाई गजब, ओ आराम से। ओ सुपर यार मजा आ गया, सकते भाई हमारे पास आ गया ट्यूब और हम लोग करने वाले स्लाइडिंग। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। ओ भाई क्या, ओ भाई पकड़े भाई। चलो भाई ऊपर की तरफ चलते हैं और भागो रे भाई गजब सुपर। काफी मजा आया भाई, पूरा ठंडा। अरे भाई जिसके पास बजट नहीं शिमला जाने का, रात्रि में आके मजा ले सकता है भाई। ओ भाई गजब मजा आ गया, सुपर। चलिए और भी स्लाइडिंग करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ क्या क्या और कौन। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे कितना सुंदर यहाँ पे बनाया गया है, जो काफी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं काफी सुंदर घर जैसा बनाया गया है, जो फोटो वगैरह क्लिक करने के लिए और रील्स वगैरह बनाने के लिए काफी खूबसूरत लग रहा है। कहाँ चढ़ रहा है मेरा भाई, पर्वत चढ़ रहा है क्या? ओ हिमालय चढ़ रहा है। ओ भाई देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे चढ़ सकते हैं, पहाड़ वगैरह सब बना हुआ है ना। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही है। ट्राई करते हैं, चढ़ते हैं, कैसा लगता है वो भाई? ओ भाई गजब, छूट भी सकता है तो गिर जाइएगा, और गिर जाएगा तो लग जाएगा चोट। ओ भाई मुश्किल है पर असंभव नहीं है। ओ भाई अब हो गया भाई, देख सकते हैं काफी थक चुके हैं। तो चलिए हम लोग अब उतरते हैं, तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट में जरूर बता दें। एक फोटो खींचना भाई थंबनेल के लिए। ये देख सकते हैं भाई काफी सुहाना मौसम आपको देखने को मिलेगा, काफी लोग दोस्त लोग चिल कर रहे हैं। ये देख सकते हैं बर्फ वाला गोला, ओ भाई सुपर, ये काफी मजा आ रहा है, सुकून मिल रहा है, काफी ठंडा फील हो रहा है। बच गया भाई, देख सकते हैं भाई अभी ये चढ़ रहा है बंदा, आ गया चढ़ने के लिए, देख सकते पोज मार रहा है फोटो खिंचाने के लिए। ओ कहाँ जा रहा है बाबू, स्लाइड करने? चलो भाई हम भी चलेंगे स्लाइड करने के लिए,
और ये बच्चा जा रहा स्लाइड करने के लिए। कितना मजा आ रहा भाई। अरे बच्चा आराम से, बच्चा आराम से, आराम से, आराम से। देख सकते हो दोस्तों इस तरह स्लाइड किया जा रहा है। ओ भाई ये देख सकते हैं ऊपर से नजारा आपको इस तरह देखने को मिलेगा। जो और लाइट बंद करने के बाद आपको इस तरह से नजारा देखने को मिलेगा। ओ भाई कितना मस्त नजारा दिख रहा है भाई। पूरा लाल गुलाबी नजारे इस तरह देखने को मिलेगा और पूरा बर्फीली जगह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो काफी खूबसूरत लग रहा है मेरा भाई। ओ सुप ये देख सकते हो दोस्तों ऊपर से नजारा आपको इस तरह देखने को मिलेगा जो काफी खूबसूरत लग रहा है। और ये बच्चा आ गया स्लाइडिंग करने के लिए। कैसा लग रहा है भाई? मस्त लग रहा है ना? फिर स्लाइडिंग करेगा? ओ भाई ये तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ और चलिए इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है। और ये देखते हैं कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम लोग हरगोड़ा से। हरगोड़ा से आए हुए हैं ना, तो फैमिली साथ आए हैं कि ऐसे फ्रेंड लोग के साथ? फ्रेंड लोग के साथ। काफी मजा आ रहा है ना? 800 रुपया वसूल हो रहा है क्या? हाँ। कि पैसा वेस्ट चला गया? नहीं वसूल हो रहा है। मतलब शिमला का मजा ले रहे ना? हाँ। मतलब कम बजट में रांची में शिमला का मजा लिया जा सकता है, तो 800 रुपया में शिमला का मजा ले सकते हैं। और क्या नाम हुआ आप लोगों का? मेरा नाम काव्या। काव्या सालू। देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे आए। कैसा आपको कैसा लग रहा है? मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल पे, स्कूल में अभी पढ़ती है कि? स्कूल, स्कूल में। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आए हुए हैं, काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो अभी स्लाइडिंग करके दिखाइएगा हम लोगों को क्या? चलिए छोड़िए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको खेलने के लिए, अगर यहाँ पे देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे स्लाइडिंग कर रहे हैं, काफी लोग आए हुए हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे। तो भाई आपको कैसा लग रहा है भाई? मस्त लग रहा है ना? तो देख सकते हैं अभी आए आ रहे हैं अभी स्लाइडिंग करके। ओ देख देख ये बच्चा काफी एंजॉय कर रहा है। देख सकते हैं यार। ओ भाई पकड़ो 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 पकड़ो, आराम से आराम से आराम से, गजब गजब। कैसा लगा, कैसा लगा? मजा आया ना? और ये देख सकते हैं और एक यहाँ पे आ रही है स्लाइडिंग करते करते। ओ भाई कैसा लगा, मजा आ गया ना? खेलने के लिए यहाँ पे जो ठंडी के मौसम में जिस तरह खेलते हैं लोग यहाँ पे, जो मनाली में किस तरह खेलते हैं उस तरह देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ खेला जा रहा है। ये ठंडा का मौसम में है समझ लीजिए। और यहाँ पे एक घंटा का मजा पूरा ले सकते हैं दोस्तों, एक घंटा का यहाँ पे टाइमिंग देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे और इग्लू वगैरह इस तरह बनाया गया है। पूरा रांची में काफी सुकून मिला, काफी ठंडा लग रहा है, तो गर्मी के दिन में काफी आपको अच्छा एहसास यहाँ पे दिलाएगा। तो मात्र 800 रुपए में एहसास दिलने के लिए आ सकते हैं। और बगल में यहाँ पे छोटा सा देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई भैया इधर, यहाँ छोटा सा इग्लू है और यहाँ पे अंदर घुसेंगे और फिर निकल के भी दिखाएंगे भाई कैसा लगेगा यहाँ पे। ओ भाई यहाँ अंदर में इस तरह से देखने को मिलेगा जो इस तरह से बनाया गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे अंदर में कुछ है नहीं भाई, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से देखने को मिलेगा। ओह सुपर लाजवाब लग रहा है भाई, मजा आ गया। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बता दे। वीडियो अच्छा लगे फिर लाइक करिएगा, चैनल को पहली बार जाए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, रांची का अपडेट हमेशा देता रहता हूँ दोस्तों आप लोग को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और भाई पैसा इन्वेस्ट मैं आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ दिखाने के लिए। तो काफ़ी ठंडा लग रहा है यहाँ पे, थोड़ा सुकून मिलेगा देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे स्लिप वगैरह करने के, स्लाइडिंग करने के लिए यहाँ पे ये बनाया गया है जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। ओह मजा आ गया भाई। चलिए चलिए यहाँ पे लोग बहुत लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आए हुए। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हुए आप? हरगोड़ा से। तो ठंडा लग रहा है ना? जी बहुत ठंडा, बहुत ठंडा लग रहा है ना जी। गर्मी दिन में यहाँ पे चिल मतलब करने के लिए आ सकते हैं ना? हाँ, तो 800 रुपया में शिमला का मजा ले सकते हैं रांची में ना जी। अच्छा तो आप फ्रेंड लोग के साथ आएंगे? अपनी बहन लोग के साथ। बहन लोग के साथ, अच्छा लग रहा है ना जी, मजा आ रहा है। तो फिर आप लोग ऑटो वगैरह में आते हैं कि? नहीं नहीं अपना गाड़ी से आए। अपना गाड़ी से आए हैं। मतलब सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पे? यहाँ पे ये स्लाइडिंग और वो जो अभी तक किए नहीं है। अच्छा बर्फीला जगह है तो अच्छा लग रहा है ना जी। तो शिमला का पूरा मजा आ रहा है। चलिए क्या नाम हुआ आपका? अंजेला। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। अपना एक्सपीरियंस बताइए, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा लगा यहाँ पे? भैया हमको तो बहुत अच्छा लगा, बच्चे लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ठीक है रांची में भी नया चीज आया है, हमको लगता है झारखंड में इनफैक्ट नया चीज है। रांची इतना तेजी से विकसित कर रहा है, वाटर पार्क आ गया, उसके बाद फिर ये बर्फीला जगह आ गया, शिमला का मजा ले रहा है, तो वो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा बहुत अच्छा, बहुत। जो लोग नहीं जा सकते बाहर कहीं वो लोग यहीं पे मजे लेंगे। तो ट्रेन का भाड़ा में आप यहाँ पे मजा ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। चलिए तो मैम आपका मतलब पूरा मजा लिया ना मैम? पूरा। अच्छा और अभी भी एक घंटा रुक सकते हैं यहाँ पे ना? हाँ रुक सकते हैं, बच्चा लग रहा है। ठंड बहुत लग रहा है ना? हाँ। इंजॉय काफी कर रहे हो ना? हाँ बहुत ज्यादा। यहाँ पे बर्फीला जगह में शिमला का पूरा मजा ले रहा हूँ। हाँ
चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से है भाई? ग्रीडी से। ग्रीडी से, चलो थैंक यू। एक साथ दो दो गजब। ये देखिए भाई इस तरह स्लाइडिंग करके आप धकल दीजिए। ओ भाई ओ आराम से आराम से आराम से आराम से। ओ सुपर, काफी मजा आ गया भाई। ओ भाई स्लाइडिंग करने में काफी मजा आ रहा। तो देख सकते हैं भाई अब इसमें हम लोग स्लाइडिंग करने वाले हैं और कैसा लगेगा वो आप लोगों को बताएंगे और चढ़ते हैं हम लोग ऊपर और स्लाइडिंग करेंगे भाई। बाय बाय। काफी मजा आया भाई सुपर। देख सकते हैं दोस्तों काफी ऊपर चढ़ चुकी है पूरा ऊपर। संभल के संभल के। ओ भाई इतना ऊपर चढ़ गई। ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा ऊपर चढ़ गई है और ये रस्सी के सहारे इतना ऊपर चढ़ गई है। मानना पड़ेगा तुमको यार माउंटेन चढ़ना चाहिए, यहाँ क्या चढ़ रही है। ओ देख सकते हैं ये बंदी देख सकते हैं चढ़ गई है। उतर जाओ बसंते उतर जाओ। कहीं चढ़ी हुई है आराम से उतरना आराम से। देख सकते हैं दोस्तों एक लड़की यहाँ पे चढ़ चुकी है पूरा ऊपर और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रस्सी के सहारे इतना ऊपर चढ़ चुकी है। ये देख सकते हैं पूरा ऊपर चढ़ी हुई है भाई देख सकते हैं और धीरे धीरे उतरने की कोशिश कर रही है। अब इसका डर के मारे तो हालत खराब हो गया है पर कोई बात नहीं आराम से उतरना कोई बात नहीं हम लोग। ये देखे भाई उतर रही है लड़की। ये देखे भाई पूरा चढ़ गई ऊपर आराम से उतर रहो आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। ओ आराम से आराम से आराम से उतरो आराम से। पर वो चढ़ी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मजा आ गया पूरा ऊपर में चढ़ी ना। हाँ। काफी मजा आया ऊपर से नजारा आया एकदम अच्छा से दिख रहा था। नजारा कैसा था? बहुत अच्छा। हम लोग तो छोटा छोटा दिखते होंगे। हाँ। तो ये जीत गई है आज की विनर रही। चलिए भाई ये अंजलि नाम है ना अंजलि आज की विनर रही। चलिए अंजलि शर्मा। तो भाई अब हम लोग का समय हो चुका है और काफी लोग बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं देख सकते हैं यहाँ पे और ये भाई रील्स वगैरह पूरा बन रहा है। आप लोग को यहाँ पे बहुत मजा आया और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। काफी मजा आया। चलिए भाई गाइस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करिएगा। चैनल में पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह वीडियो में हमेशा आता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर टाटा टेक केयर बाय। जय हिंद दोस्तों।